वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री का एक और चैप्टर, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। पिछले सेशन में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कैसे कैसे कवर करने वाले हैं। आज के सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि हमारे आसपास में जितने भी मैटर प्रेजेंट हैं क्या वो सब प्योर हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मैटर एंड प्योर दो वर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम मैटर की प्योरिटी के बारे में बात करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम मैटर की प्योरिटी के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारे आसपास में जितने भी मैटर पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट हमें जो भी दिखाई देता है, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास में प्रेजेंट होती हैं वह सब मैटर होती हैं, तो क्या वो सब प्योर हैं, इस बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है, हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मैटर क्या होता है। तो बताइए मैटर क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए कि मैटर क्या होता है। चलिए मैं ही बता देती हूँ। सो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, इट मीन्स जिसके पास वॉल्यूम है, जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, यानी कि वह स्पेस ऑक्यूपाई करती है, एंड उसके कुछ ना कुछ मास है, और उसका कुछ ना कुछ मास है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास हो, उसे हम बोलते हैं मैटर। मैटर किससे मिलके बना होता है, मैटर टाइनी पार्टिकल से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, टाइनी पार्टिकल्स, या फिर पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। मैटर कंटिन्यूअस नहीं होता है, मैटर पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और ये पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं। तो मैटर जिन पार्टिकल्स से मिलके बना है वो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया। मैटर थ्री स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। तो ये हुई हमारे मैटर की बात। मैटर कह लीजिए या फिर सबस्टेंस कह लीजिए, ठीक है। तो सबस्टेंस क्या होता है, थिंग्स दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फर्दर पार्टिकल्स, ऐसी कोई चीज़ जो फर्दर पार्टिकल्स में ब्रोक नहीं हो सकती है बाय अप्लाइंग एनी फिजिकल प्रेशर। हम भले कितना ही फिजिकल प्रेशर अप्लाई करें, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को फर्दर पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं सबस्टेंस या फिर मैटर। जैसे मान लीजिए कि मिल्क, जैसे कि हमारे पास होता है मिल्क। अब मिल्क में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मिल्क किससे बना है, मिल्क में वाटर के पार्टिकल्स भी होते हैं, मिल्क में वाटर के पार्टिकल्स भी होते हैं, मिल्क में फैट भी होता है, मिल्क में कैल्शियम भी होता है, मिल्क में मिल्क एग्जाम्स होते हैं, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से मिलके मिल्क बना हुआ होता है। तो क्या अब हम मिल्क पर कोई भी फिजिकल प्रेशर अप्लाई करके, कोई भी फिजिकल प्रेशर अप्लाई करके क्या हम वाटर को अलग कर सकते हैं, यानी कि हमने वाटर के पार्टिकल्स को अलग कर दिया, फैट के पार्टिकल्स को अलग कर दिया, कैल्शियम के पार्टिकल्स को हमने अलग कर दिया, क्या हम इन पार्टिकल्स को डिवाइड कर सकते हैं, हम इन पार्टिकल्स को फिजिकल प्रेशर अप्लाई करके डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि जो मिल्क है वह कैसा है, एक सबस्टेंस है, जिसको हम फर्दर पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एनी फिजिकल प्रेशर। जैसे कि पानी, पानी क्या है, पानी में होता है हमारा H2O। पानी क्या होता है, H2O को हम बोलते हैं पानी। तो H2O कैसे बना हुआ है, H2O बना है H2+O2 से, H2+O2 से।
तो H2 है हाइड्रोजन और O2 है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके वाटर बनाती हैं। तो क्या अब हम कोई भी फिजिकल प्रेशर अप्लाई करके इस H2O में से H2 को अलग करें और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं? क्या हम कोई भी फिजिकल प्रेशर अप्लाई करके क्या हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकते हैं, पार्टिकल्स को डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, केमिकल रिएक्शन से हम कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल प्रेशर अप्लाई करके हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा मैटर होता है वो एक तरह का सब्सटेंस ही होता है, उसको हम फर्दर पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एनी फिजिकल प्रेशर। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज। हम दो तरह के सब्सटेंस में मैटर को क्लासिफाइड करते हैं। एक होते हैं प्योर सब्सटेंस और दूसरे होते हैं हमारे मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंसेज। जो मैटर है उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, दो तरह के सब्सटेंसेज में क्लासिफाई किया है। एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेज और दूसरे होते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेज या फिर मिक्सचर। तो बच्चे, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि प्योर सब्सटेंसेज क्या होते हैं। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। अब आप प्योरिटी से क्या समझते हो, प्योरिटी का क्या मतलब है? अगर हम जनरली बोलें कि भाई प्योरिटी का क्या मतलब है, तो हम प्योरिटी का मतलब समझते हैं कि अगर कोई चीज़ प्योर है, अगर कोई भी चीज़ प्योर है, इसका मतलब वह हमारे लिए हेल्दी है, हमारे लिए अच्छी है। तो हम प्योरिटी को गुडनेस से रिलेट करते हैं, प्योरिटी को हम गुडनेस से रिलेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम मार्केट गए, अब मार्केट से हम बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं, जैसे कि बटर, मिल्क, कर्ड, स्पाइसेस, जूसेस, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हम मार्केट से लेके आते हैं। और मार्केट से जो हम लेके आए हैं उसका जो पैकेट रहता है उस पर लिखा होता है कि प्योर घी, प्योर बटर, प्योर सॉल्ट। तो क्या सिर्फ लिख देने से वह चीज़ प्योर हो जाती है? क्या लिख देने से वह चीज़ प्योर हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लिख देने से वह चीज़ प्योर नहीं हो जाती है, इनमें बहुत तरह की मिलावट रहती है। मार्केट से जो हम सामान लेके आए उसमें कई तरह का मिलावट रहता है, यानी कि उसमें अडल्ट्रेशन रहता है। तो हम प्योरिटी को गुडनेस से रिलेट करते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर किसी चीज़ में किसी भी तरह का अडल्ट्रेशन नहीं है, अगर किसी भी चीज़ में, या मिल्क ले लो, या बटर ले लो, या फिर स्पाइसेस ले लो, अगर उनमें किसी भी तरह का कोई अडल्ट्रेशन नहीं किया गया है, तो हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग समझते हैं कि वह चीज़ प्योर है, वह हमारे लिए हेल्दी है। तो हम जनरल लाइफ में या फिर डेली लाइफ में प्योरिटी को रिलेट करते हैं गुडनेस से। प्योरिटी को हमने किससे रिलेट किया? गुडनेस से रिलेट किया। लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में या फिर साइंटिफिक लैंग्वेज में प्योरिटी का बिल्कुल अलग मतलब है, प्योरिटी का बिल्कुल अलग मतलब है। जो हमारी डेली लाइफ में प्योरिटी को हम गुडनेस से रिलेट करते हैं, वह मतलब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर हम किसी को प्योर बोल रहे हैं, किसी सब्सटेंस को प्योर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको प्योर इसलिए बोल रहे हैं कि वह हमारे लिए अच्छा है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्योर होने का मतलब कुछ अलग होता है। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्योर होने का क्या मतलब है? कोई सब्सटेंस प्योर है तो उसको कब कहेंगे हम कि वह सब्सटेंस प्योर है? तो बच्चे, प्योर सब्सटेंस उन्हें कहते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस सेम टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हो, अगर कोई सब्सटेंस सेम टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हो, तो उसे हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल्स में क्या क्या आता है, पार्टिकल्स में आते हैं हमारे एटम्स, अभी अभी मैं बताई हूँ, मॉलिक्यूल एंड आयंस। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि अगर कोई सब्सटेंस या तो सेम टाइप के एटम से मिलके बना हो, या तो कोई सब्सटेंस सेम टाइप के एटम से मिलके बना हो, या फिर सेम टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बना हो, या फिर सेम टाइप के
आयंस से मिलके बना हो। अगर कोई सबस्टेंस या तो सेम टाइप के एटम से मिलके बना हो, या फिर सेम टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बना हो, या फिर सेम टाइप के आयन से मिलके बना हो, उसे हम बोलते हैं प्योर सबस्टेंस। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखी हुई है तो इसको पढ़ना जरूरी है। आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ हर एक लाइन अच्छे से समझ में आनी चाहिए। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। जैसा मैंने आपको बताया कि हमें कैसे पता कि वह प्योर हैं, तो फॉर कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। कॉमन पर्सन के लिए क्या है कि अगर मिल्क में किसी भी तरह का कोई अलग से बाहर से कोई सब्सटेंस ऐड नहीं किया है, किसी भी तरह का कोई अडल्ट्रेशन नहीं किया है, तो हम उस मिल्क को प्योर मिल्क मानते हैं। अगर बटर में किसी भी तरह का अडल्ट्रेशन नहीं किया है, किसी भी तरह का कोई आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं किया है, किसी भी तरह का कोई आर्टिफिशियल ऑयल ऐड नहीं किया है, तो हम उसको क्या मानेंगे कि वह प्योर बटर है। ठीक है, तो कॉमन पर्सन के लिए प्योरिटी का मतलब है नो अडल्ट्रेशन। बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। लेकिन साइंटिस्ट के लिए ये जितनी भी सारी चीजें हैं, मिल्क, घी, बटर, ये सब क्या हैं? ये कई सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर होती हैं। जैसे जो हमारा मिल्क होता है, हम बोलते हैं कि एक कॉमन पर्सन के लिए मिल्क प्योर है, कॉमन पर्सन के लिए मिल्क प्योर है। लेकिन अगर उसी मिल्क को हम साइंटिस्ट के पास लेके चले गए और उनसे हमने जाके बोला कि हम बिल्कुल फ्रेश मिल्क, प्योर मिल्क लेके आए हैं, तो साइंटिस्ट क्या बोलेगा? नहीं भाई, ये प्योर मिल्क नहीं है, यह तो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस है, यानी कि कई सारे सब्सटेंसेस से मिलके इसको बनाया गया है, इसलिए यह प्योर नहीं है, यह एक इम्प्योर सब्सटेंस है। तो हम बोलेंगे कि अरे यार, हम तो फ्रेश मिल्क लेके आए थे और साइंटिस्ट ने तो उसको इम्प्योर बता दिया। तो बच्चे, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जैसा मैंने आपको बताया था कि प्योरिटी और इम्प्योरिटी का एक अलग ही कंसेप्ट है। अगर मिल्क कई सारे सब्सटेंसेस से मिलके बना हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह अनहेल्दी है। कॉमन पर्सन के लिए वह हेल्दी है, लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको इम्प्योर माना गया है। तो हमारा मिल्क कई तरह के सब्सटेंस से मिलके बना है, जैसे कि वाटर और फैट्स, कैल्शियम, मिल्क एंजाइम्स, विटामिन्स, कई सारी चीज़ें मिल्क में पाई जाती है। तो मिल्क क्या है? मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेज। और मैंने क्या बताया कि प्योर सब्सटेंसेज क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेज जिसमें सेम टाइप के एटम्स हों, या फिर सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हों, या फिर सेम टाइप के आयन्स हों, उसे हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेज। जैसे कि हमारा वाटर, वाटर क्या है? H2O। वाटर क्या है? H2O। तो वाटर में सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, वाटर में सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, बाकी और किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स नहीं पाए जाएंगे। हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, हम मिनरल वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमने बाहर से कोई भी मिनरल उसमें ऐड नहीं किया है, हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं। तो प्योर वाटर में सिर्फ और सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स ही पाए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वह वाटर प्योर माना जाएगा, वह वाटर प्योर माना जाएगा। लेकिन जो मिल्क है उसमें तो कई तरह के सब्सटेंसेज हैं, उसमें कई तरह के सब्सटेंसेज हैं, उसमें वाटर है, फैट है, कैल्शियम है, मिल्क एंजाइम्स हैं, उसमें प्रोटीन है, तो कई तरह के सब्सटेंसेज से मिलके मिल्क बना हुआ होता है, इसलिए यह प्योर नहीं माना जाता। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एटसेट्रा। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो मिल्क है वह कई तरह के सब्सटेंसेस से मिलके बना हुआ है, इसलिए यह है एक मिक्सचर है, ना कि प्योर सब्सटेंस। व्हेन अ साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर, अगर कोई साइंटिस्ट किसी चीज को प्योर बोल रहा है, इट मीन्स, इसका मतलब यह है दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। जितने भी उसमें पार्टिकल्स रहेंगे उनके केमिकल नेचर सेम रहेगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया H2O का,
तो वाटर में अगर सिर्फ H2O के ही पार्टिकल्स है, तो अब H2O का मतलब ये तो है नहीं कि इस H2O की केमिकल नेचर कुछ और है, और मैंने दूसरा H2O लिया उसकी केमिकल नेचर कुछ और हो जाएगी, तो ऐसा तो होगा नहीं। जितने भी H2O रहेंगे उन सब का केमिकल नेचर सेम रहेगा। तो प्योर सबस्टेंस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि प्योर सबस्टेंस क्या होता है। ऐसे सबस्टेंस जो सेम टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फिर आयन से मिलके बने हों, या फिर कह लो कि ऐसा सबस्टेंस जो सेम टाइप के पार्टिकल्स से मिलके बना हो। पार्टिकल्स में एटम्स भी आते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आते हैं और आयन्स भी आते हैं। तो ऐसे सबस्टेंस जो सेम टाइप के पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्योर सबस्टेंसेस। डेफिनेशन इज हियर, अ सबस्टेंस दैट कंसिस्ट ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड प्योर सबस्टेंस। इन अदर वर्ड्स, अ सबस्टेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। ये क्या है? मैटर की सिंगल फॉर्म होती है, जैसे कि डायमंड, सल्फर, सॉल्ट, गोल्ड, कॉपर, ऑक्सीजन एटसेट्रा। तो देखिए, जो गोल्ड होता है उसे प्योर बोलते हैं। जो हमारा 24 कैरेट गोल्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं प्योर गोल्ड, लेकिन जो 22 कैरेट गोल्ड होता है उसको हम इम्प्योर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एडल्ट्रेशन कर दिया है, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट कर दी गई है, किसी दूसरे सबस्टेंस को उसमें ऐड कर दिया है, इसलिए हम 22 कैरेट गोल्ड को इम्प्योर बोलते हैं। लेकिन जो हमारा 24 कैरेट गोल्ड होता है उसको हम बोलते हैं प्योर गोल्ड। गोल्ड में किसके पार्टिकल होते हैं? गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल रहेंगे, गोल्ड में सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल्स रहेंगे, चाहे हम इसको कितना ही तोड़ लें। हमने एक हथौड़ा लिया और हमने गोल्ड को तोड़ दिया, तो अब हमने तोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं कि अंदर से कुछ उसमें से सिल्वर निकलेगा या फिर प्लेटिनम निकलेगा या फिर आयरन निकलेगा, ऐसा कुछ तो होगा नहीं। उसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे सबस्टेंस जिसमें सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वह हमारा प्योर सबस्टेंस है, यानी कि यह प्योर गोल्ड है। ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस में अगर हमारे पास में प्योर ऑक्सीजन गैस है, अगर हमारे पास में प्योर ऑक्सीजन गैस है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ही पार्टिकल्स रहेंगे, और जितने भी ऑक्सीजन के पार्टिकल्स रहेंगे उनका केमिकल नेचर सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक ऑक्सीजन के पार्टिकल का केमिकल नेचर कुछ और है और दूसरे ऑक्सीजन के पार्टिकल का कुछ और है, तो इसमें जितने भी ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं उनका केमिकल नेचर सेम रहेगा। हम एयर में जो ऑक्सीजन अवेलेबल होती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो एयर से हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वह इम्प्योर होती है, क्योंकि एयर में और भी कई सारी गैसेज प्रेजेंट रहती हैं। जो हमारी एयर है वह मिक्सचर ऑफ गैसेज है, ठीक है। तो प्योर ऑक्सीजन जो रहेगी उसमें सिर्फ ऑक्सीजन के ही पार्टिकल्स पाए जाएंगे। जैसे कि हमारा सॉल्ट, जो सॉल्ट है वह भी प्योर माना गया है। क्यों? क्योंकि उसमें सेम तरह के आयन्स पाए जाते हैं। सॉल्ट किससे बना है? आयन से मिलके बना है। सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला है NaCl। सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला है NaCl, तो यह है टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में, तो Cl देता है इलेक्ट्रॉन ऑन एंड सोडियम देता है हमको प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलके होते हैं हमारे आयन्स जो कि सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा शुगर, शुगर में भी क्या पाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ शुगर के पार्टिकल्स ही पाए जाएंगे, चाहे आप शुगर के पार्टिकल्स को कितना ही तोड़ लो उसमें आपको शुगर के पार्टिकल्स ही मिलेंगे। तो शुगर भी क्या होता है? शुगर भी हमारा प्योर सबस्टेंस है। तो गोल्ड, सिल्वर, आयरन, शुगर, सॉल्ट, ये सब कैसे सबस्टेंसेज हैं? ये सब प्योर सबस्टेंसेज हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्योर सबस्टेंसेस क्या होते हैं। आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कि प्योर सबस्टेंसेस को कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर करें।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए द नॉलेज नुक्कड़ के साथ।